हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग का लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 17 है और आज से हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीनियर अलजेब्रा का और इससे जो कंपटीशन में क्वेश्चन जो है काफी सारे पूछे जाते हैं और ये वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 1 है। तो देखिए, वेक्टर स्पेस में सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़नी है, लेकिन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ने में आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो फील्ड क्या होता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, दूसरा ग्रुप क्या होता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपको जानकारी होगी इसकी, बट अगर आपको नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में एक बार रिकैपिटुलेट कर देता हूं कि हमारा ग्रुप क्या होता है, फील्ड क्या होता है, क्योंकि उसकी जरूरत इसको डिफाइन करने में पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ग्रुप क्या होता है ना, बिना ग्रुप जाने फील्ड जाने आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है, अगर हम आपको एक नॉन एम्प्टी सेट जी दे दें, ठीक है, और उसके साथ हम आपको एक ऑपरेशन दे दें, ऑपरेशन मान लिया कि हमने प्लस का ले लिया, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, या इसके अलावा और भी ऑपरेशन जैसे सेट डिफाइन करें तो यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, या बहुत तरीके के ऑपरेशन होते हैं। तो एक नॉन एम्प्टी सेट जी मैंने ले लिया और एक ऑपरेशन मैंने ले लिया प्लस। अब इसको हम लोग ग्रुप कब कहेंगे, जब इसमें से मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है ये क्लोज्ड होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अगर हम इसमें से दो एलिमेंट लें, सपोज ए और बी, इसका दो एलिमेंट मैंने लिया जी का, और इस पे ये ऑपरेशन अगर हम लोग अप्लाई करें और जो ये एलिमेंट आए वो फिर से अगर जी में बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर लाइस में होल्ड करता है। कौन सा ला होल्ड करता है, क्लोजर लाइस में होल्ड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर इसमें क्लोजर ला होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात करूं यहां से कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए कि अगर ये नॉन एम्प्टी सेट अगर हमारा सपोज मान लिया कि होता आपका इंटीजर्स। ठीक है, यहां पे ये जो हमने नॉन एम्प्टी सेट जी लिया है अगर ये इंटीजर होता और ऑपरेशन में क्या लेता प्लस, तो कोई भी दो इंटीजर मैं ले लूं और उस पर ऑपरेशन अप्लाई करवाऊं तो क्या आएगा, 2 + 3 = 5, 5 फिर से किसमें बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि एडिशन ऑपरेशन, ये जो हमारा सेटअप इंटीजर से क्लोज है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लोजर ला होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है, इसमें दूसरा बात है कि एसोसिएटिव ला होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब इसमें से तीन एलिमेंट मैंने लिया, पहले मैंने ए में बी को एड किया फिर सी को एड किया, या पहले मैंने बी और सी को ऐड किया और उसके बाद में ए को ऐड किया, रिजल्ट सेम आएगा, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव ला होल्ड करता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, तब एसोसिएटिव ला होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात यह है होना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट ले ए और उस पर ई को ऐड करें, या ई प्लस ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सेम एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे सेटअप इंटीजर्स के केस में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें सेटअप इंटीजर्स और ऑपरेशन था प्लस, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जीरो जीरो किसी भी इंटीजर में ऐड करिए फिर से वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, चाहे लेफ्ट में ऐड करें हम लोग चाहे राइट में ऐड करें वही रिजल्ट आपको वापस होना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे ई हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए ये होल्ड करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो इसमें हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि जिसको सभी एलिमेंट पे ऑपरेट करवाए, चाहे राइट में ऑपरेट करवाए या लेफ्ट में ऑपरेट करवाए, रिजल्ट वही एलिमेंट आना चाहिए। अगली बात करें तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स क्या होता है, जैसे एडिशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2 का इनवर्स क्या होता है, -2। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 2 में -2 को ऐड करेंगे, 2 में -2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन ये होता है कि मान लिया ए है, ए में अगर हम लोग बी को ऐड करें, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, चाहे राइट में ऐड करें और चाहे लेफ्ट में ऐड करें। ठीक है, तो ये हमारा जो बी होता है ये क्या होता है, बी, ये हमारा क्या होता है, ए का इनवर्स होता है, बी इज इक्वल टू व्हाट, ए का इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए के जी के सारे एलिमेंट का, जी के सारे एलिमेंट के लिए अगर एक ऐसा एलिमेंट मिले, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिले कि उसको उसको राइट में ऑपरेट करवाए या लेफ्ट में ऑपरेट करवाए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक, तो उसको हम लोग जो क्या बोलेंगे, बी को हम लोग ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। तो ये इतनी प्रॉपर्टी के साथ एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है। और अगर इसको अबेलियन ग्रुप बोलना है तो इसमें क्या होना चाहिए, एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड होना चाहिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन हो गई किस चीज की, ग्रुप की। तो ग्रुप आपको मालूम हो गया ग्रुप क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप के बाद फील्ड क्या होता है ना, फील्ड की भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, फील्ड को अगर नॉर्मल शब्दों में कहें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर, यही तीन फील्ड का इस्तेमाल ज्यादातर वेक्टर स्पेस में किया जाता है।
तो फील्ड को जब भी फील्ड का नाम लेंगे तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ये रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी चीजें हैं, वहां से नंबर्स को उठाया जा रहा है, वैसे वहां पर क्वेश्चन फील्ड को मेंशन किया रहता है। तो सबसे पहले मैं फील्ड आपको बता देता हूँ फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट एफ ले लें, एक नॉन एम्प्टी सेट एफ ले लें और उसके साथ दो ऑपरेशन ले लें। सपोज एक एडिशन का ले लिया, दूसरा आपने किसका ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया, ठीक है। ऑपरेशन कोई भी दो हो सकता है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ले लिया है, ठीक है। अब देखिए ये फील्ड कब कहा जाएगा, तो पहली बात ये है कि ये एफ प्लस के साथ क्या बनाए, एफ जो है ये नॉन एम्प्टी सेट एफ ऑपरेशन प्लस के साथ ये क्या बना बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाए। ये क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यफ स्टार, यफ स्टार का मतलब इसमें से जीरो को निकाल दीजिए, नॉन जो नॉन जीरो एलिमेंट है, यफ स्टार का मतलब यफ माइनस जीरो, यफ में से जीरो को निकाल दीजिए, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ये भी क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनाता हो। और तीसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए स्टार बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी, मल्टीप्लीकेशन है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारा जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, एडिशन के ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड का मतलब जब भी फील्ड में आएगा, ज्यादातर केसेस में रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रेशनल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, एज ए फील्ड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन मालूम होना चाहिए कि इंटरनल कंपोजिशन क्या है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन और दूसरा एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो देखिए हम लोग इंटरनल कंपोजिशन, जैसे मान लिया कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट भी लिया और एक ऑपरेशन प्लस लिया, इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लें ए और बी और इस पे हम लोग प्लस को ऑपरेट करवा दें और जो रिजल्ट आए, जो रिजल्ट आए वो कहाँ पे बिलोंग करे, फिर से कहाँ पे बिलोंग करे, भी में बिलोंग करे, तो हम कहेंगे ये हमारा इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। दूसरा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में जैसे मैं आपको दिखा दूं, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑपरेशन क्या लिया, प्लस, ठीक है। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर मैंने यहां से ले लिया और इसको ऐड किया, कितना आएगा, 5, 5 फिर से कहां बिलोंग करेगा, यम में बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे एडिशन हमारा क्या, इंटरनल कंपोजिशन है या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग माइनस की बात करें तो जैसे ये माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये ऑपरेशन अब की बार माइनस ले लिया, तो कोई भी दो एलिमेंट मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, इसमें ऑपरेट करवाया इसको, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। अब -1 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसका मतलब जो हमारा माइनस ऑपरेशन होता है वो हमारा जो है इंटरनल कंपोजिशन नहीं होता या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें से कोई दो एलिमेंट लेंगे तो जो रिजल्ट और इस ऑपरेशन को आप ऑपरेट करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो फिर से नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, इंटरनल कंपोजिशन ये नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर लें, जैसे हम बात करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ क्या लिया था, प्लस, तो ये इंटरनल कंपोजिशन हुआ। सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ ले ले प्लस, तो ये भी क्या है, इंटरनल कंपोजिशन है, क्यों, किसी भी दो इंटीजर्स का सम फिर से कहा क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। दो रेशनल नंबर्स ले लें, रेशनल नंबर और ऑपरेशन क्या ले लें, प्लस ले लें, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये इंटरनल कंपोजिशन हमारा हो जाता है। अब बात आती है माइनस की, तो यन माइनस ले लें, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें, अभी मैंने दिखाया था 2 और 3, इसलिए ऑपरेशन को लगाया तो -1 आया, -1 तो यन में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये इंटरनल कंपोजिशन नहीं होता है, ठीक है, ये इंटरनल कंपोजिशन नहीं है। इसी तरीके से जेड और माइनस की अगर हम लोग बात कर लें कि क्या इंटरनल कंपोजिशन है, तो कोई भी दो इंटीजर ले लें, -2 और 3, और इसमें -2 और 3 दो इंटीजर ले लिया, इसके बीच में माइनस लगाया तो -5 आया, फिर से जेड में बिलोंग करता है, तो इंटरनल कंपोजिशन ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूँ एन और मल्टीप्लीकेशन ले लें स्टार, ठीक है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें, तो क्या वो फिर से नेचुरल नंबर आएगा, यस, इसका मतलब जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है ये इंटरनल कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, सपोज सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर ले और मल्टीप्लीकेशन की बात कर ले, तो क्या किसी भी दो इंटीजर का, कोई दो इंटीजर ले लें, तो क्या उसका मल्टीप्लीकेशन फिर से इंटीजर आता है, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये इंटरनल कंपोजिशन हो जाता है। अब बात कर ले डिवीजन की, जैसे हम लोग ले लें एन और डिवीजन ले लें,
अब कोई दो नेचुरल नंबर ले लिया टू और थ्री, उसको ऑपरेशन अप्लाई करवाया तो यार टू बाई थ्री, टू बाई थ्री तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब जो डिवीजन हमारा होता है वो इंटरनल कंपोजिशन नहीं होता है या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वो नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, अब इंटरनल कंपोजिशन के बाद आती है बात एक्सटर्नल कंपोजिशन की, है ना, एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपोजिशन की। ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात आती है और यहाँ पे हम लोग वेक्टर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह इसकी जरूरत पड़ेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक आप एक सेट होगा भी, ठीक है, इसके साथ मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन है, वी प्लस है मान लीजिए, और यहाँ पे फील्ड है कोई, सपोज एफ है और प्लस और डॉट है यहाँ पे, तो जो फील्ड होता है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं, और इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए एक एलिमेंट मैंने लिया सपोज ए, ए बिलोंग्स टू एफ लिया, ठीक है, और यहां से एक अल्फा लेते हैं, अल्फा एक वेक्टर लेते हैं और एक स्केलर लेते हैं, एक वेक्टर में जब एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट अल्फा, ए डॉट यहां वाला इस्तेमाल किया मैंने, ए डॉट अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन इनका किया, तो देखिए मैंने ए यहां से लिया, अल्फा यहां से लिया और ऑपरेशन यहां का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो ये एलिमेंट आएगा ये तो वेक्टर आएगा, मतलब कहां पे बिलोंग करना चाहिए, भी में बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके के जो, इस तरीके का जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन को आपको किस तरह से ट्रीट करना है, एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करना है, और जो हमारा इंटरनल कंपोजिशन था वो वेक्टर्स का एडिशन था, है ना, वेक्टर्स का एडिशन की तरह हम लोग उसको ट्रीट कर रहे थे। अब आ जाइए हम लोग वेक्टर स्पेस की बात कर लेते हैं, वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है। ठीक है, अब आपको सारी चीजें फंडामेंटल्स मालूम हो गए, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो डेफिनेशन देखेंगे, इफ एफ प्लस डॉट, ठीक है, दो ऑपरेशन मैं लिया, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का, ऑपरेशन कोई भी दो हो सकता है, फिलहाल मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिया। इफ एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड, सपोज ये फील्ड है, ऑल्सो नोन एज फील्ड ऑफ स्केलर्स, इसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। एंड इफ भी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ऑल्सो नोन एज सेट ऑफ वेक्टर्स, जो भी के एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, देन भी ओवर एफ, इसको पढ़ते हैं भी ओवर एफ, इज अ वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस का दूसरा नाम क्या होता है, लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, जैसे कभी आपको ऐसा लिखा रहे तो आपको समझना है कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड एफ, जैसे हमने कहा कि आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन प्लस, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन प्लस नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड ऑन भी, भी पे जो है एक इंटरनल कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइंड हो, सच दैट डिफाइंड ऑन भी विथ रेस्पेक्ट टू विच भी इज एन अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब भी जो है प्लस के साथ क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, जिसको हम इस वेक्टर स्पेस बोलना चाहते हैं वो क्या करे, वो क्या करे, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, भी प्लस के साथ जो है, प्लस ऑपरेशन के साथ क्या फॉर्म करना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्लोज्ड होना चाहिए, है ना, मतलब अगर दो एलिमेंट ले लें ए और बी, सपोज ए और बी एलिमेंट दो ले लें, कहां से बिलोंग्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, पहली बात होगी। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, आइडेंटिटी का मतलब ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए, मतलब एक ऐसा एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसको इसके किसी भी एलिमेंट पे अगर हम लोग ऑपरेट करवाए तो वही एलिमेंट फिर से वापस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ई को हम लोग क्या कर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे हम लोग ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बोलते हैं। ठीक, और हर एलिमेंट के लिए एक इनवर्स मिलना चाहिए, तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए होना जाएगा, है ना, अगर ए मैं लूंगा तो उसके लिए क्या मिल जाएगा, माइनस ए, ए में माइनस ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी आपने किसको बोला है, जीरो को बोला है। अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आप चाहे तो जीरो भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, है ना, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स मिलना चाहिए, हर एलिमेंट का आपको क्या मिलना चाहिए, इनवर्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, अब अबेलियन है, अबेलियन होने के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, बी प्लस ए मिलना चाहिए। तो पहली कंडीशन यही है, देखो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए। पहले जो पहला हमने केस लिखा कि देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन प्लस, प्लस के साथ ये क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, किसको, भी को अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन।
also known as scalar multiplication defined in V over F, that is for all A belongs to F, मतलब एक element मैंने कहाँ लिया, field से लिया, और एक element मैंने कहाँ से लिया, आपका जो V से लिया, है ना, vector से लिया, अब इनका scalar multiplication किया, A alpha, वो कहाँ पे belong करना, जो वो भी vector आएगा, एक scalar है, और एक vector का हम लोग composition किए, तो A alpha आया, वो कहाँ पे belong करना चाहिए, V में belong करना चाहिए, तो दूसरी बात ये दूसरी शर्त है, ठीक, और तीसरी शर्त ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए कुछ कुछ लॉज हैं वे फॉलो होने चाहिए, जैसे क्या क्या है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी, जो वेक्टर्स हैं उसको हम लोग अल्फा बीटा गामा से लिखेंगे, और जो हमारे स्केलर्स होंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी से लिखेंगे, ठीक है, तो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी एंड फॉर ए बी बिलोंग्स टू एफ, क्या पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक एलिमेंट कहाँ से लिया, फील्ड से लिया, और यहाँ पर दो वेक्टर्स ले लिया मैंने अल्फा प्लस बीटा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए अल्फा प्लस क्या मिलना चाहिए, ए बीटा, ठीक, अगली प्रॉपर्टी है कि आपकी बार दो स्केलर्स ले लिया हमने, ए बी कहां से ले लिया हमने, फील्ड से ले लिया, ठीक है, और इसमें एक वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या मिलना चाहिए, ए अल्फा, और प्लस क्या मिलना चाहिए, बी अल्फा। तीसरी बात ये हमको मिलनी चाहिए कि दो स्केलर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, और इसमें हम लोग एक वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, तो ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए टाइम्स बी अल्फा के बराबर होना चाहिए, और अंतिम बात ये है, एक एलिमेंट इसमें फील्ड में वन मिलना चाहिए, कि वन को हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर के साथ, तो वही वेक्टर आपको वापस आना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखो फाइव प्रॉपर्टीज वहां से थी, और एक प्रॉपर्टी ये थी एक्सटर्नल कंपोजिशन के सिक्स, और यहाँ पे ये 7, 8, 9 और 10, अगर 10 प्रॉपर्टीज जो है ये होल्ड करेगी, तो किसी भी जो है जो नॉन एम्प्टी सेट भी है हमारा, उसको हम लोग भी को क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ बोलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, तो आपको चीजें आराम से वन बाय वन क्लियर होती जाएगी, कैसे चेक करते हैं कि कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है विथ रिस्पेक्ट टू कोई ऑपरेशन दिया हुआ, तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे वो वेक्टर स्पेस है या वेक्टर स्पेस नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ नोट लिख रखा है, हमारा पहला नोट ये है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ठीक है, एवरी वेक्टर एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। जैसे मान लीजिए मैं कुछ फील्ड यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूँ, सपोज फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो ये जो है ना, ये दोनों जैसे आर, आर क्या है, सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स फील्ड है उसका क्या होता है, सब फील्ड होता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो हमारा है ना, ये हमारा सब फील्ड है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, एज वेल एज सेट ऑफ रियल नंबर्स का, जो है जो ये इस, ये इसका क्या है, सब फील्ड है, ये इसका क्या सब फील्ड है, ये दोनों इसके क्या है, सब फील्ड है। तो कहा जा रहा है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, मैं कह लूँ कि सी क्या है, ऐसे मैं लिखूं सी ओवर आर, तो कहेंगे सी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ओवर द फील्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, आर ओवर क्यू, आर ओवर क्यू क्या आ जाएगा, हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ये पहला नोट था, ठीक। दूसरा नोट हम बात करें अगर, तो हमारा दूसरा बात यह है कि इफ एफ इज एनी फील्ड देन एफ इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। जैसे कभी ऐसा लिखा हो आर ओवर आर, तो आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, ठीक है, क्यू ओवर क्यू है ना, तो क्यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, ठीक है, और अगर आप बात करें सी ओवर सी, ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक है, यहाँ पर फील्ड हम लोग, ये हमारा क्या है, सी हमारा क्या करेगा, फील्ड का काम करेगा, ये हमारा दूसरा नोट था। तीसरा हमारा नोट ये है कि नो फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स प्रॉपर सुपर फील्ड, ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको ऐसा पूछा जाए, कोई आपसे ये पूछेगा कि आर, क्या आर ओवर सी, क्या आर ओवर सी ये वेक्टर स्पेस है, देखिए यहाँ पे जो हम ये फील्ड ले रहे हैं ना, ये फील्ड जिसके ऊपर हम फील्ड की बात कर रहे हैं, ये तो हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ये वेक्टर स्पेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसका क्या है, सुपर फील्ड है। देखिए अगर हमने सब फील्ड लिया तो हो गया सब फील्ड, देखिए यहाँ पे जो डिफाइंड किया था, तो आर इसका क्या सब फील्ड है, क्यू इसका क्या सब फील्ड है, आर इसका क्या सब फील्ड है, ठीक है, तो ये तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, लेकिन ये इसका क्या सुपर फील्ड है, तो सुपर फील्ड है तो कभी भी ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लिया कि देखिए आपने कहा था एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइंड होना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, जैसे मैंने कहा था कि ए कहां से लेना है, फील्ड से लेना है, ठीक है, और आपको अल्फा कहां से लेना है, वेक्टर स्पेस से लेना है, तो आपका ए अल्फा कहां पे बिलोंग करना चाहिए, भी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारा फील्ड क्या है, सी है, फील्ड हमारा यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और हमारा ये अगर हम बात करें भी हमारा कौन सा है, आर है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो भी है वो कौन है, आर है, ठीक है, तो आप देखिए एक मैं एलिमेंट यहां से मैं लेता हूँ ए, फील्ड से लेता हूँ, फील्ड हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं आई ले लेता हूँ, सपोज आई बिलोंग्स टू सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ अल्फा आर से ले लेता हूँ, कोई एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं वन ले लेता हूँ, ठीक है, वन बिलोंग्स टू आर,
अब इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, आई इंटू वन, ठीक है, आई इंटू वन क्या आएगा, आई अब ये कहां पे बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए हमारा कहां, वेक्टर स्पेस में, भी में बिलोंग करना चाहिए, भी हमारा का रोल कौन कर रहा है, आर, तो ये क्या ये आर में बिलोंग करेगा, आई इंटू वन इज इक्वल टू आई, क्या ये रियल नंबर है, नो, इट डजेंट बिलोंग्स टू आर, इट डजेंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे आर ओवर सी लिया, अगर मैं बात कर लूं क्या क्यू ओवर आर क्या ये वेक्टर स्पेस है, आपका जवाब आएगा नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि ये हमारा क्या, इसका सुपर फील्ड है, प्रॉपर सुपर फील्ड है ये इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेंगे क्या क्यू ओवर सी क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो आपका जवाब आएगा नो, ये फॉर्म नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, सुपर फील्ड है, आप एग्जांपल देकर दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग आपसे पूछे कि सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पे और भी फील्ड्स की, अगर मैं बात करूं क्यू ओवर क्या हो गया सी, क्यू ओवर क्या हो गया आर, आर ओवर क्या हो गया सी, ये सभी जो है हमारे जो है वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके क्या है, सुपर फील्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सब फील्ड है ना, तो वो क्या करेगा, वेक्टर स्पेस, यहाँ पर सब फील्ड इसका लिखा हुआ है तब तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, लेकिन अगर सुपर फील्ड लिखा हुआ है तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, और सारे फील्ड खुद के ऊपर क्या फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, जैसे आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू, सी ओवर सी, ये सभी क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल यहां पे करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि लेट वी इज इक्वल टू ऑर्डर ट्रिपलेट है यहां पे a1 a2 a3 सच दैट a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r इज इक्वल टू r क्यूब। इस ये जो हमारा जो सेट है ना, इसको हम लोग r क्यूब बोलते हैं, मतलब हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि r क्यूब ओवर r वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। r क्यूब ओवर r क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो r क्यूब के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, a1 a2 a3 टाइप के होंगे, जहां पे a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, विद द सेट ऑफ ऑल थ्री टपल्स ऑफ द रियल नंबर्स। We define the addition and scalar multiplication in V as follows: A1, A2, A3, B1, B2, B3. दो एलिमेंट आपका लिया कहां से, R क्यूब से। तो इसको जब ऐड करना होगा तो फर्स्ट मेंबर के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड मेंबर के साथ ऐड हो जाएगा, और थर्ड मेंबर के साथ ऐड हो जाएगा। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइंड होगा, अल्फा हम कहां से लेंगे, हम लोग फील्ड से लेंगे, फील्ड क्या है हमारे, सेट ऑफ रियल नंबर से। और A1, A2, A3 हमारा कहां से आएगा, R क्यूब से आएगा। तो जब इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड करेंगे तो अल्फा सभी मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा A1, अल्फा A2, अल्फा A3, वेर अल्फा बिलोंग्स टू R। आपको प्रूफ करना है देन V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारा V प्लस है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, जो हमारा V प्लस है ये क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको पांच प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेगी, ठीक है। पांच प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, ठीक है, क्लोजर लॉ क्या होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, पहली बात, ठीक है। आइए देखते हैं क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है, पांच प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो क्लोजर लॉ क्या है, दो एलिमेंट हम ले लें यहां से, ठीक है, वी में से दो एलिमेंट ले लेते हैं, कौन कौन से, A1, A2, A3, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या ले लेते हैं, B1, B2, B3। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी वी में बिलोंग करना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट आएगा A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 और A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 और A1 प्लस B1, सॉरी A1 प्लस B1, रिजल्ट आएगा A1 प्लस B1, दूसरा रिजल्ट A2 प्लस B2 और इसका थर्ड मेंबर क्या आएगा, A3 प्लस B3, ठीक है, A3 प्लस B3। अब आप जरा ध्यान से देखिए, A1, B1, A2, B2, A3, B3 क्या है, रियल नंबर्स है। तो ये रियल नंबर्स है तो बताइए कहां पे बिलोंग करेगा, निश्चित रूप से ये R में बिलोंग, R क्यूब में बिलोंग करेगा या V में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऑर्डर ट्रिपलेट है और इसके सभी मेंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है। यही तो डेफिनेशन थी V की, ऑर्डर ट्रिपलेट आना चाहिए और सभी मेंबर्स कहां बिलोंग करने चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया तो हमने दो एलिमेंट लिया और उस पर जो ये ऑपरेशन को अप्लाई करवाया, एडिशन को, तो जो मेंबर आया वो फिर से भी में बिलोंग किया, मतलब क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। तो आपको मालूम है सेट ऑफ रियल नंबर्स का एसोसिएटिव लॉ होल्ड ही करता है, तो एसोसिएटिव लॉ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये होल्ड करता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। तीसरी चीज आपको क्या चेक करना है कि आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी देखिए हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, ठीक है, हम लोग अगर देखिए इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं A1, A2, A3, एक एलिमेंट लिया और इसमें अप्लाई करवा देते हैं 0, 0, 0, तो क्या आएगा बताइए, फिर से आएगा A1, A2, A3 आएगा, क्यों, A1 प्लस 0 A1, A2 प्लस 0 A2, A3 प्लस 0 A3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए था, कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करवाएं तो वही एलिमेंट फिर से वापस आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है।
चौथी बात करें तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए ए वन ए टू ए थ्री अगर ये इसमें बिलोंग करता है किसमें भी में, तो हम निश्चित रूप से माइनस ए टू माइनस ए वन माइनस ए वन माइनस ए टू और माइनस ए थ्री भी कहां पे आएगा, बी में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए वन ए टू ए थ्री रियल नंबर्स है तो निश्चित रूप से माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री भी रियल नंबर्स होंगे, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये इसका क्या है, इनवर्स है। तो हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो पांचवी बात में प्रूव करना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। तो ए वन प्लस ए वन ए टू ए थ्री में, ए वन ए टू ए थ्री में अगर आप ऐड करने जा रहे हैं किसको, बी वन बी टू बी थ्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए वन प्लस बी वन, ठीक है, ए वन प्लस बी वन और ए टू प्लस बी टू और तीसरा क्या आएगा, ए थ्री प्लस बी थ्री, ठीक है, ए थ्री प्लस बी थ्री। इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी वन प्लस ए वन, क्यों, क्योंकि रियल नंबर, रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी टू प्लस ए टू, इसको क्या लिख सकते हैं, बी थ्री प्लस ए थ्री, ठीक है। तो आपने देखा कि ये पांच, तो और ये किसके बराबर जाएगा, ये बराबर जाएगा बी वन बी टू बी थ्री और प्लस ए वन ए टू ए थ्री के ही बराबर हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसका मतलब जो है कि जो भी प्लस है ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। तो पांच प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए पांच और प्रूव करना है, तो उसके बाद इसको हम लोग वेक्टर स्पेस जो है कह पाएंगे, ठीक है। तो ये पांच तो ऑब्वियस है, मैं प्रूव इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग है, जस्ट आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके, अब हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन दिखाएंगे। एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसे दिखाएंगे, एक एलिमेंट में ले लेता हूं अल्फा कहां से, फील्ड से, और एक एलिमेंट में ले लेता हूं ए वन ए टू ए थ्री, ये कहां से ले लेता हूं, भी से ले लेता हूं, ठीक है। तो ये अल्फा ए कहां पे आना चाहिए, भी में आना चाहिए। देखिए अल्फा ए अगर मैं डिफाइंड करूं, अल्फा ए वन ए टू ए थ्री स्केल मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कर रहे हैं, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन है अल्फा ए वन अल्फा ए टू अल्फा ए थ्री और ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो निश्चित रूप से देखिए आर्डर ट्रिपलेट है और इसका सभी आर्डर ट्रिपलेट होना चाहिए, सभी मेंबर आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये सभी मेंबर आर में तो बिलोंग करेंगे करेंगे, इसका मतलब ये कहां पे बिलोंग करेगा, भी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होल्ड करता है। छठी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमको चार प्रॉपर्टीज और प्रूव करना है। चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, हमारी अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या क्या प्रूव करने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा, हम दो यहां से ले लेते हैं ए सपोज ले लेते हैं, या हम अल्फा ले लेते हैं कहां से, फील्ड से, अल्फा बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है, ये मैं कहां से ले लेता हूँ, भी से ले लेता हूँ, ठीक है, भी से ले लेता हूँ, ये बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू आर और बीटा बिलोंग्स टू आर, फील्ड के एलिमेंट ले लेता हूँ। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पहले प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि अल्फा टाइम्स है ना अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा टाइम्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है ना, इसको हम ऐसे कर देते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए और इसका नाम दे देते हैं बी, बी इज इक्वल टू क्या देते हैं, बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है। अब प्रूव करना है अल्फा ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा बी, ये प्रूव करना है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा ए, और आगे हमको क्या प्रूव करना है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या प्रूव करना है कि अल्फा बीटा इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ए। और पांचवी प्रॉपर्टी हमें अंतिम लास्ट में क्या प्रूव करना है, वन इंटू ए इज इक्वल टू ए है ना, वेयर वन बिलोंग्स टू व्हाट, फील्ड, फील्ड में, ठीक है, वन हमारा कहां बिलोंग करना चाहिए, फील्ड में। तो बहुत ही आसान है प्रूव करना। देखिए वन ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया वेक्टर स्पेस से, क्या ले लिया, ए वन ए टू ए थ्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, तो फिर से किसके बराबर आ गया, वही चीज बराबर आ गया, देखो वन इंटू ए इज इक्वल टू ए आ गया। तो आसानी से इसको आप जो है चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आर क्यूब ओवर आर हमारा जो क्या है वो हमारा वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स में अगर आपको बता दूं, जैसे यहां पर आपने कहा कि आर स्क्वायर आर क्यूब ओवर आर, ऐसे आर स्क्वायर ओवर आर भी आप क्या प्रूव कर सकते हैं, ये भी क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आर एन ओवर आर है ना, एन टपल्स है, हम जो आर एन को कैसे डिफाइन करते हैं, आर एन में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं, ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन, वेयर ए सच दैट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन, ये कहां बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। तो आर एन ओवर आर जो होता है ना वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने दिया था कि आर स्क्वायर ओवर आर है ना, आर क्यूब ओवर आर, ये सभी क्या फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से आर आर एन ओवर आर वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है द सेट M2
यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के हैं, ए बी सी डी, ठीक है, टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। बहुत आसानी से इसको देखिए आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे आप इसको, सबसे पहले देखिये एम टू प्लस के साथ क्या बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप कैसे बनाएगा, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए पांच प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। पहले तो क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए। क्लोजर लॉ क्या होता है, दो मैट्रिक्स अगर इस टाइप के ले लें, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने ए वन बी वन सी वन डी वन और दूसरा क्या ले लिया ए टू बी टू सी टू डी टू, ठीक है, ये हमने कहा ले लिया बिलोंग्स टू एम टू, तो इनका एडिशन भी, इनका अगर हम एडिशन की बात करें तो वो भी कहाँ आना चाहिए, एम टू में आना चाहिए, एडिशन कर देते हैं इनका, ठीक है, तो ए वन बी वन सी वन डी वन और यहाँ पे ए टू बी टू सी टू डी टू, ये हमने अगर इनका एडिशन किया तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू, यहाँ पे मिलेगा बी वन प्लस बी टू, यहाँ पे सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे डी वन प्लस डी टू मिलेगा। और ये भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, एम टू में बिलोंग करेगा। क्यों एम टू बिलोंग करेगा, क्योंकि एम टू में वो सारी मैट्रिसेस बिलोंग करती है जो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, टू ऑर्डर की हो, जिसके एलिमेंट कहाँ से आते हो, सेटअप रियल नंबर से आते हो। तो देखिए ए वन बी वन सी वन डी वन ए टू बी टू सी टू डी टू, ये सभी रियल नंबर है, इसलिए इनका एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा और टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स इससे एम टू में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। दूसरा चीज अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही करता है, उसको आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। तीसरा आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कौन मिलेगा, जीरो 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 बिलोंग करेगा इसमें, जीरो जीरो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपको आएगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया इस सेट में, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया। और अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स क्या होगा आपका, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है, ये ए बी सी डी का क्या होगा, इनवर्स होगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो ये इनवर्स हो गया। और ये आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा, मतलब ए बी सी डी में ऐड करें किसको, ए वन बी वन सी वन डी वन में ए टू बी टू सी टू डी टू को ऐड करें या इसमें हम इसको ऐड करें, दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स, ये जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यही पे मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए टू प्लस ए वन बी टू प्लस बी वन सी टू प्लस सी वन और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी टू प्लस डी वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, ए टू, ए टू बी टू सी टू डी टू प्लस ए वन बी वन सी वन डी वन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कम्यूटेटिव, इसको आप इस ऑर्डर में ऐड करिए या उलट के ऐड करिए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यम प्लस के साथ, ये यम टू जो है प्लस के साथ क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसके बाद आपको दिखाना कि एक्सटर्नल कंपोजिशन इसमें होल्ड होना चाहिए, है ना। एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एक स्केलर ले लें, स्केलर मतलब हमारा फील्ड कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, हमारा जो फील्ड है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एम टू ओवर आर हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं तो रियल नंबर से एक एलिमेंट ले लेते हैं अल्फा और यहां से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो इनका अगर हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा डी, और निश्चित रूप से ये भी कहां पे बिलोंग करेगा, एम टू में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी बात इसके एलिमेंट कैसे हैं, रियल नंबर से आते हैं, इसलिए ये भी कहां बिलोंग करेगा, एम टू में बिलोंग करेगा। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होल्ड करता है। अब बात आती है कि चार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर मान लिया कि मैं ले लेता हूं अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा मैं ले लेता हूं, सपोज अल्फा बीटा मैं ले लेता हूं फील्ड से और दूसरा मैं मैट्रिसेस ले लेता हूं, जैसे मान लिया मैं ले लिया एम टू, है ना, एम टू या यहाँ पे एम एम वन एम टू, ठीक है, ये दो एलिमेंट मैं ले लेता हूँ कहां से, एम वन एम टू में ले लेता हूँ कहां से, एम वन एम टू ना लिख के कुछ भी लिख दीजिए आप, चलिए ए बी मैं ले लेता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू एम टू, तो मुझे क्या दिखाना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा ए, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या दिखाना है, ए प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, और मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है अल्फा बीटा इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ए, और चौथी प्रॉपर्टी क्या दिखानी है, वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। वन इंटू ए तो बहुत ही आसानी से आप दिखा सकते हैं, वन इंटू ए ले लीजिए क्या आपका ए बी सी डी, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन इंटू ए कितना आ गया, वन इंटू बी बी आ गया, वन इंटू सी सी आ गया, वन इंटू डी डी आ गया, तो वन इंटू ए कितना आ गया, ए के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अल्फा बीटा ये चीजें आप जो आसानी से प्रूव कर सकते हैं, मैट्रिक्स एडिशन आपको आता है, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए किस चीज के, वेक्टर स्पेस की। आपके पास जो भी और कोई किताब हो तो उसको खोल के आप जो और भी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसको देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको अच्छे से वेक्टर स्पेस क्लियर हो जाएगा।